नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज फिर से तेरे घर में रौनक आ गई। वैसे दादाजी, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अरे ये तो आने को तैयार नहीं था। अरे ऊपर से मुझे डिस्करेज कर रहा था आने से। अरे तो जनाब, क्रेडिट यहाँ आना चाहिए, मैं लेकर आया हूँ इन सबको। अरे आप मुंह खोले सो रहे थे, गाड़ी मैं चला के लाया हूँ दादाजी। हाँ जनाब, तो ना मैं सोता, ना हम रास्ता भूल जाते और ना हम सही रास्ते पे आते। ना तुम लोगों की मुलाकात होती, राइट? सुन पंडित, पूरे गांव की दावत मेरी तरफ से होगी। दावत मेरी तरफ से होगी, मेरा पोता है। अरे जा, पोता होगा तेरा, हमारे गांव का बेटा आया है, बेटा, इसलिए दावत मेरी ही तरफ से होगी। ठीक है। ले भाई, लगा ले। नहीं यार, दिल नहीं जा रहा। अबे रात भर उल्लू की तरह जगता रहेगा क्या? लगा ले, अच्छी नींद आएगी। नीचा ये लीजिए, आप दोनों के लिए केसर मिल्क, आप दोनों को अच्छी नींद आएगी। लेना यार क्या? आप भी लीजिए। अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। चलो बेटा, दूध पियो, केसर मिल्क, मलाई मंगाऊं? पाया क्या कर रहा है पागल? शीना जी की 500 फोटो तो ले ली होंगी तूने। यार वैसे एक बात बताऊं, मतलब हमने, मैंने जो भी सोचा था यहाँ के लोगों के बारे में, यार लोग बड़े अच्छे हैं यार। वाओ, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। तुम्हारे बुक्स गिर जाते हैं, आर्यन पहाड़ों को चीर कर गाड़ी को रिवर्स करके बुक्स तुम्हारे पास ले आता है। तुम लोग एक दूसरे से मिलते हो लेकिन नाम तक नहीं पूछते। Having hot केसर milk together. भाई ऐसा तो सिर्फ किताबों में होता है। किताबें भी तो जिंदगी से लिखी जाती है ना शीना जी? Absolutely. वैसे इन तीनों में से मेरा कविन कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही थी कि आप इन तीनों से मिली कैसे? अगर मैं कहूं, These three are godsend. Would you believe it? Yes. I always believe in God. See you, Pika! See you, Pika! हाँ, तो सबको समझ में आया? तो हम आगे बढ़े? नहीं, पहले 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 पहले। अच्छा जो, ठीक है ठीक है। पहली, हाँ, हाथ है ना पैर है, जात है ना पात है, रहता जिसके पास वो, उसकी तो क्या बात है? बताओ क्या है? ईमान। कल्हन ने कश्मीर को शारदा पीठ लिखा है। शारदा यानी इल्म, जिसे हम सरस्वती भी कहते हैं। तो सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के पंडित अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कश्मीर की तरफ रुख करके 7 कदम चलते थे, तभी उनकी तालीम मुकम्मल मानी जाती थी। इस प्रथा को सतपदी कहा गया है। वाओ, फैसिनेटिंग। यस, वेल। अरे छुट्टी हो गई? नहीं, ये हमारी पायल जो है ना,
स्कूल की प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है और पियोन भी है। ना ना भूख लगी होगी, खाना बनाना है, छुट्टी कर दी। अबू जी प्रार्थना करनी है, जल्दी आ जाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। देखा खाना well, भूख तो मुझे भी लगी है, so, let's go. हाँ, तो आइए पहले प्रार्थना, आइए प्लीज जी, प्लीज जी। वेल, आई सी तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। यस, दे आर सच एंजल्स। डू यू हैव एनी किड्स? नहीं, आई एम नॉट दैट लकी। वेल, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? व्हाट्स सो फनी? कोइंसिडेंटली आज हमारी शादी की चौथी सालगिरह है। रियली? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। सो वाइफ से बात हुई? हाँ, किया था उसने फोन। That's sweet. ये जानने के लिए कि मैंने उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भरा कि नहीं। Just leave it, यार। That's how my life is. इमरान कहाँ है? आओ इधर देखते हैं। राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू कमबख्त मानेगा नहीं। क्या हो गया इमरान, सुबह नाश्ता नहीं किया? कच्चे अंडे खा रहे हो? जनाब मैं नहीं खा रहा हूँ, इस कमबख्त को खिला रहा हूँ। रेडिएटर लीक कर रहा है जनाब, तो ठहर जाओ। रेडिएटर लीक, अंडा, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है शीना जी, देखिए रेडिएटर जब गर्म होता है ना, उसके अंदर ये कच्चा अंडा डाल दो तो जाके जम जाता है और लीक करना बंद कर देता है। तो ये कनेक्शन है, नहीं मानेगा। वैसे आप लोगों ने अच्छा किया जो आर्यन जनाब को उनके दादा के पास छोड़ दिया, सही किया आपने। हाँ यार, बरसों बाद मिल रहे थे, उनके कुछ पर्सनल मोमेंट्स वगैरह। अरे नहीं, उस वास्ते नहीं जनाब, अगर वो यहाँ होते तो गाड़ी वही चलाते, वो गाड़ी चलाते मैं सोता रहता और ये कंपक्ट फट जाता गर्म होकर रेडिएटर। जनाब उस वास्ते अरे कुछ नहीं रखा है वहां, कोई नहीं है हमारा कश्मीर में। ये लीजिए नून चाय। थैंक यू। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें मंदिर के लिए निकलना है। मैं सुबह से तैयार हूँ यार। वाह, आप शेव नहीं करते? अरे तू तो कह रहा था कि तू तैयार है बेटा। दादाजी मैं तैयार था, वो शेव कर लेता हूँ, मंदिर जाना है। मंदिर? शेव? नहीं क्यों? चल बेटा। चली 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 चली। अच्छा गुलाम मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। भगवान आपकी रक्षा करे, सुखी रखे, जीते रहो बेटा। जी शुक्रिया। नमस्ते दादाजी। इनका नाम गुलाम मोहम्मद है? हाँ। स्ट्रेंज। बेटा ये गुलाम मोहम्मद बरसों से यहाँ मंदिर में सेवा आरती करा रहे हैं। That's amazing. है ना, यही है कश्मीर का कल्चर। और ऐसी बहुत मिसालें हैं यहाँ मेरे कश्मीर में। वैसे दादाजी ये पायल है कौन? पायल छोटी सी, इतनी छोटी बच्ची थी, यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर मुझे मिली थी। मैंने सीने से लगा लिया, सोचा इसको सहारा दूंगा, और आज देखो ये छड़ी। देखा, नहीं चाहिए। ख्याल तो रखती है वैसे आपका बहुत। हाँ बहुत। दादाजी आप पापा के साथ नहीं गए?
क्यों चला जाता मैं? ना कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर जाता है क्या? बेटा, इस गांव में हमारे बाप दादा पले बड़े हैं, उनके शवों को यहाँ अग्नि दी गई है। वो जो नदी है ना गांव की, वहां पे उनकी अस्थियों को बहाया गया है। इस गांव की मिट्टी की गोद में हमारी यादें वाबस्ता हैं। अरे तो मैं क्यों चला जाता इस गांव को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर? तो आपने पापा को क्यों जाने दिया? मोहित बेटा। क्या मोहित बेटा? मोहित बेटे के घर के दरवाजे पे ये चिपका हुआ था, अब समझने को रह क्या गया है? देखिए बेटा, बेटा बात तो सुनो। पापा इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, चलिए बैठिए गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगा, मौत अगर आनी होगी तो यहीं आएगी, समझे? बहू, बहू तुम उतरो गाड़ी से। नहीं, तुम नहीं उतरोगी गाड़ी से। मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता पापा। अरे आप अंधे हो गए क्या? पढ़िए इसको, इसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर चले जाओ, नहीं तो जिंदा जला देंगे। पढ़िए। ये कंसर्फ बना किसका है? हम पता करवाएंगे। आप पता लगवाएंगे? आपके घर में तो नहीं लगा ये पर्चा? अब्दुल, तेरे घर में लगा है? रऊफ, तेरे घर में लगा है क्या? हम पता लगवाएंगे। चलिए पापा, हम इन पे और इतबार नहीं कर सकते, चलिए। बहुत बड़ी बात कर दी तूने, ये सारे गांव के लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन पंडित के घर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है गुलाम चाचा, अंदर ही अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे कि कब हम यहाँ से जाएं और कब आप हमारी जमीन और हमारे घर पे कब्जा जमा दें। पापा, आपने जिनके लिए मुझ पे हाथ उठाया है ना, याद रखिएगा, ये लोग आपकी चिता को आग तो क्या, कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। चल आर्यन, आर्यन। जिस पर्चे की वजह से मोहित अपने जिंदा बाप को मार के चला गया, वो पर्चा हमारी दीवार पे किसने चिपकाया था आज तक पता नहीं चला। क्या हुआ इमरान? इतना बड़ा धोखा? क्या कह रहे हो यार? लगता है कि ये अंडा हजम कर गई। क्या कह रहे हो यार इमरान? हाँ जनाब, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये अंडा हजम कर गई है। वो तो टेम्पररी इलाज था, है ना? तो अभी मैं कुछ करता हूँ, आप घबराइए मत, इसको ठीक तो मैं जरूर करूँगा। ओह गॉड, मतलब आज का पूरा दिन वेस्ट नहीं? आप लोगों का दिल बड़ा नाजुक है। अरे दिन वेस्ट नहीं होगा जनाब। वो देख रहे हैं पगडंडी, उसको फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाइए, बड़ा खूबसूरत नजारा है। और जब तक मैं गाड़ी ठीक करके आता हूँ, मैं आ जाऊंगा जनाब, आ जाऊंगा मैं। आ जाना तुम टाइम से। अरे मैं आ जाऊंगा। Come here, let's go. इतनी ब्यूटीफुल और रोमांटिक जगह पर तुम अपनी वाइफ को मिस नहीं करते? What? It's so beautiful. You know, तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है और तुम्हारी शादी को भी 4 साल हुए हैं। So, how come you guys didn't plan anything? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर की हिस्ट्री पर रिसर्च करने आई हो ना, तो करो ना। मेरी हिस्ट्री के पीछे क्यों पड़ी हो? Why can't you just mind your own business and leave me alone? For God's sake, please. Sheena! Sheena!
टीना। I'm sorry, शीना, मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। It's okay. No, really, I'm sorry. Extremely sorry. वो क्या है ना, तुम्हारे सवाल ने मेरे अंदर के दर्द को छू लिया। Listen, I'm really not interested in your history. ना, अब तो सुनना पड़ेगा। सुन लो यार, मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। How dare you abort my child? Don't you ever raise your hand on me again. कभी दोबारा तुमने अपना हाथ उठाया ना, I will get you arrested. I won't even think of something like this. Damn it! It is my body. बाप बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? एक बीवी तो तुमसे संभलती नहीं है, बच्चे को क्या संभालोगे? You bloody useless man! तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा पैदा करना एक जोक है? And just for your information, तुम्हारी desires complete करने के लिए ना, I'm not losing my figure. हो गया? क्या हो गया? दिल का बोझ हल्का हो गया? What? तुम ही नहीं तो कहा ना, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। Matter is closed. So, I suggest right now, you should smile. Come on, smile. तुम भी। Okay, guys. So here I am in Kashmir, on top of this beautiful mountain, feeling on top of this world. And guess who I'm sitting with? With one of the great photographers Sheena, from Sheena, Mumbai. Sheena, Vikram Roy. Sheena, this is highly embarrassing. No, Suno, please, stop. Batao. Sheena, aap apne fans ko kuch batana chahoge. Wait a second. Wait. Give me the phone. Give me the phone. You just give me the phone. You got it. Honeymoon, couple! Excuse me? Are you here on a honeymoon? No, I'm here on a job. Good job. Well, actually, he is a photographer. And he's come here for his calendar shoot. Well, I can see that. Well, if you don't mind, can you click us? Not at all. I'd love to click you, but why don't we use that camera? खराब कर देगा यार। आप मुतमईन रहिए जनाब, ये गोरा आपका कैमरा कतई खराब नहीं करेगा। यू स्पीक उर्दू? तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है? हाँ? कमाल की बात, कमाल की बात। अभी अभी तुम हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे देखकर अंग्रेजी पर उतर आए। इफ यू डोंट माइंड, आप क्लिक फरमाएंगे? बेशक, क्लिक फरमाएंगे। पहले मुझे उतरने तो दीजिए तख्ते ताऊस से। उतर गए। अब जरा पोज तो इनायत फरमाइए। मोहतरमा जरा मुस्कुराइए तो। माय गॉड, इज दैट इट? देख लीजिए। श्योर। वाओ, अनबिलीवेबल।